हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पर 27 जुलाई को गोरख पीठाधीश्वर के रूप में देंगे अपने शिष्यों को आशीर्वचन। मां का हत्यारा चढ़ा सहजना पुलिस की हत्या में प्रयोग में लोहे का सरिया हुआ बरामद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के खिलाफ वायरल मैसेज को लेकर कुलपति हुए सख्त। कैंट थाना में चीफ प्रॉक्टर ने तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। विदेश भेजे जाने के नाम पर धन उगाही कर रहे दो अभियुक्त चढ़े पुलिस की हत्या। कर रहे थे फर्जी न्यूज पोर्टल के नाम पर जालसाजी। तिवारीपुर थाना क्षेत्र का शातिर चोर और 5000 का इनामी चढ़ा पुलिस की हत्या, गया जेल। भाजपा ने पार्टी के तेज तरार युवा नेता नसरुद्दीन अंसारी को सौंपा अल्पसंख्यक मोर्चा गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष का पदभार। युवा मोर्चा के सदस्यों में खुशी की लहर, किया जोरदार स्वागत। शराब लूटने और हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने धर दबोचा। जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम की टीम ने दिखाया दम। दाऊदपुर में नालों की साफ सफाई का काम हुआ शुरू। कई वर्षों से पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे 25,000 का इनामी चढ़ा पिपराइच पुलिस की हत्या, एसएसपी ने किया खुलासा। जल जमाव की समस्या और संक्रामक बीमारियों से परेशान है हाइडल विभाग के लोग। स्थानीय लोगों ने कहा मौन है नगर निगम प्रशासन। राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई संपन्न। वक्ताओं ने सत्ताधारी पार्टी के कार्यों की निंदा करते हुए राष्ट्रीय लोकदल को बताया समाज का हितैषी। प्रगतिशील अधिवक्ता समिति द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने कहा अधिवक्ताओं के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर विचार करे सरकार। शिक्षकों को समायोजित करने के लिए नगर निगम पार्क में आचार्य जी शिक्षक महासंघ ने किया बैठक। और जिला फुटबॉल लीग में गौतम स्पोर्टिंग ने कर्म क्षेत्र वारिया से एक एक खेला ड्रा, तो यंग बॉयज सरगावन ने टाउन क्लब बांसगांव को एक एक की बराबरी पर रोका।